Joanna and welcome to the show world of Bollywood. Here we'll fill you in the inside happenings of B-Town. Who sang which film, who dished whom, breakups, link-ups, everything presented to you in this half hour. But before we start, let's check out what's making headlines today. Box office par 200 crores kama chuki film Chennai Express ki super duper success ko celebrate karne King Khan aaye apni puri team ke saath aur lungi dance dikha kar kiya sabko entertain. Lakme Fashion Week ke first day par dikha show stoppers ka nahi balki show watchers ka jalwa aur saath hi nazar aayi apni soon to start film Happy New Year को लेकर फराखा की एक्साइटमेंट. कॉमेडी नाइट विद कपिल में अपनी अपकमिंग फिल्म सत्याग्रह को प्रमोट करने आए अजय देवगन और प्रकाश झा को कपिल ने अपने विटी अंदाज से किया एंटरटेन. दिखाएंगे झलक दिखलाजा में पिंकी यानी प्रियंका चोपड़ा के जलवों की एक खास झलक. किंग खान का लुंगी डांस. राजू श्रीवास्तव के जोक्स. शाहरुख भैया रहे और दीपिका जी रही. ओके बाद हमारा हिंदी वाला कोई एक्टर आया नहीं. हम कहा कहीं मद्रास की वो डबिंग पिक्चर तो नहीं देख रहे. और चेन्नई एक्सप्रेस के 200 करोड़ की सुपर डुपर सक्सेस का सेलिब्रेशन. चेन्नई एक्सप्रेस एक ऐसी एक्सप्रेस ट्रेन थी न रोड पे चली न पटरी पे चली ये करोड़ों पे चली. एक्सप्रेस की सक्सेस पार्टी में एंटरटेनमेंट और कॉमेडी और सुपर सक्सेस की खुशी से लेकर सब कुछ था. मेरा मूड में डांस करेगा किसी का डैडी से नहीं डरेगा. जिसको जो भी है करना वो कर लो. इधर ही मैं हूँ खड़ा पकड़ लो. घर पे जाके तुम गूगल कर लो. मेरे बारे में विकिपीडिया पे पढ़ लो. और इसी खुशी में जमकर ठुमके लगाते नजर आए किंग खान. पूछों को थोड़ा राउंड घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के ऑर्डर रजनी फैंस डोंट मिस सदा सेलिब्रेशन हो भी क्यों ना. आखिर शाहरुख की फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस ने बॉक्स ऑफिस पर रिलीज के 2 वीक्स में ही 200 करोड़ कमाकर नया रिकॉर्ड जो बना लिया है. बॉक्स ऑफिस पर अपनी फिल्म की इसी स्टुपेंडस कलेक्शंस को सेलिब्रेट करने के लिए शाहरुख ने होस्ट की ये ग्रैंड सक्सेस पार्टी जो रखी गई थी स्पेशली फिल्म की पूरी कास्ट एंड क्रू के लिए. क्रेडिट लेके चले जाते हैं तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी आगे आ जाते हैं एक्टर्स आ जाते हैं बट आई थिंक द पीपल हु आर रियली बिहाइंड द फिल्म दे नेवर गेट अ चांस टू एंजॉय द फिल्म एज मच इन फ्रंट ऑफ एवरीवन एज द रेस्ट ऑफ द पीपल. सो टुनाइट इज डेडिकेटेड टू ऑल द 300 पीपल हु वर्क्ड वेरी वेरी हार्ड ऑन द फिल्म एंड आई विश देम द बेस्ट. पूछो को थोड़ा राउंड घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के माइनस दीपिका पादुकोण इस सक्सेस बैच की रौनक बढ़ाई डायरेक्टर रोहित शेट्टी और शाहरुख खान के साथ राजू श्रीवास्तव की कॉमिकल एंकरिंग ने. आपके डायलॉग कैसी तैसी की है सुना दो. वो मेरे घर के सामने से निकलती है थोड़ा शर्माती है थोड़ा लजाती है. कहना कुछ चाहती मगर कह नहीं पाती है कि पड़ोसी ने बताया वो तो गुटखा चबाती है. बाद में मिलेंगे. पहले हम सोचे कि आज हम दिलवाले दुल्हनिया देख रहे हैं तो वही प्लेटफॉर्म वही अंदर हीरो बैठा है. फिर हम देखा अरे काजोल भाभी नहीं है तो वहां पे रही दीपिका. अरे हमने कहा यहाँ पे थोड़ा अलग किया रोहित शेट्टी. इतनी महंगी महंगी आप गाड़ी उड़ा रहे हैं नैनो वगैरह उड़ा लिया करो.
अच्छा नहीं तो देखते देखते लगता आ लगती है, अरे बाप अरे बाप। बाद में हमें कोई बताया, बोले चिंता ना करो ये सब लकड़ी की है। ये भाषा मालवनी में चलती है। वैसे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि तुम आए तो सूर्य पीस बने। हाँ छोटे छोटे पीस बने। बस खत्म करो उसको। इस मजाक मस्ती के बीच शाहरुख यहाँ चेन्नई एक्सप्रेस की सक्सेस के लिए मीडिया का भी शुक्रिया अदा करना नहीं भूले। मैं हम सब लोगों की तरफ से आप लोगों का धन्यवाद करूँगा दैट यू नो फॉर द लास्ट वन वीक टू वीक्स आप मुझको झेल रहे हैं, रोहित को झेल रहे हैं, दीपिका पादुकोण को झेल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी जगहों पर हर रोज छः छः बार मिले लेकिन हर तस्वीर में मुझे नई बात थी, हर इंटरव्यू में कुछ नया बन था। वेल तो कुछ ऐसा रहा चेन्नई एक्सप्रेस का ग्रैंड सक्सेस बैश। वी होप कि शाहरुख की ये फिल्म बाकी खान, आमिर और सलमान की फिल्मों के कलेक्शंस का रिकॉर्ड तोड़कर बॉलीवुड में सेट करेगी नया बेंचमार्क। गुड लक। मेरा मूड में डांस करेगा, किसी का डैडी से नहीं डरेगा, जिसको जो भी है करना वो कर लो। इधर मौली सिंह सिंह मुंबई। घर पे जाके तुम गूगल कर लो, मेरे बारे में विकिपीडिया पे पढ़ लो। हो चुका है LFW फॉल विंटर कलेक्शन का, जिसकी अगुवाई की डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने अपना लेटेस्ट फेस्टिव कलेक्शन शोकेस कर। लेकिन इस बार रैंप पर मनीष के लिए कोई शो स्टॉपर नहीं था, बल्कि मनीष को सपोर्ट करने शो वॉचर्स बनकर पहुंचे उनके कई बी टाउन पैल्स। Amongst the best dressed was Kajol with sister Tanisha. Jacqueline was looking pretty in pink. Karan Johar in formals. Ayan Mukherjee in casuals. Karisma in a traditional avatar. Lara Datta, jo sabhi ke saath meet and greet session mein busy thi. Rocky S with some awesome arm candy. Many, many more were spotted at this show. बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि loved the way the show was and we are all here tonight to celebrate Sagar Fashion Week, so we are happy. और मनीष के इन फ्रेंड्स में सबसे लेट कमर थी फराह खान। मैं लेट आई थी और वहाँ जरा भी जगह नहीं थी, बट आई एम हैप्पी क्योंकि खड़े होके मुझे ऑलमोस्ट सेंट्रल व्यू मिल रहा था। लेकिन फराह यहाँ एक तीर से दो निशाने साधने आई थी। मनीष मेरी फिल्म कर रहा है हैप्पी न्यू ईयर और हाँ बहुत सारे नोट्स मैंने बनाए यहाँ से क्या क्या चाहिए हमें फिल्म में। वैसे फराह अपनी मच डिलेड फिल्म हैप्पी न्यू ईयर के शुरू होने से ज्यादा एक्साइटेड थी। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। लेकिन मोर देन एनीथिंग फराह सीम्ड हैप्पी फॉर चेन्नई एक्सप्रेस, जिसके रीजंस फराह ने यूं बताए। बहुत खुश हूँ चेन्नई एक्सप्रेस के सक्सेस को लेकर, रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और मेरा ही हीरो है, प्रोड्यूसर है, तो वो खुश और खुशी खुशी आएगा शूट पे और पैसे खर्चा करेगा हमारी फिल्म पे। So I'm very happy. And what's more is that Happy New Year अब तैयार है on floors जाने के लिए। It is confirmed. It is Deepika's confirmed. Shahrukh is also confirmed. The schedule will start on the 1st of September in Dubai. Well, तो ये रहा Lakme Fashion Week Fall Winter Special का opening day, जहां मनीष मल्होत्रा को support करने आए tons of biggies. कपिल के शो कॉमेडी नाइट विद कपिल में अपकमिंग फिल्म सत्याग्रह को प्रमोट करने पहुंचे अजय देवगन और डायरेक्टर प्रकाश झा। और कपिल ने अपनी कॉमेडी से यहां क्या समा बांधा, इसकी एक झलक हम आपके लिए लेकर आए हैं। सो टेक अ लुक। गोलमाल जैसी कॉमेडी सीरीज में, हिट सीरीज में काम किया एक कॉमेडियन के तौर पे, आपने सिंघम जैसी एक्शन फिल्म में एक ईमानदार अफसर का रोल किया खतरनाक एक्शन के साथ, फिर आपने ओंकारा कंपनी जैसी फिल्मों में एक डॉन के करेक्टर निभाए,
उसके बाद आपने शहीद भगत सिंह में एक देशभक्त का किरदार निभाया, तो इतने सारी वर्सेटाइल रोल के बाद सडनली कैसा लग रहा है कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में आके? सर वैसे सर आप मेरी हेल्प कीजिए ना सर, आई जस्ट वांटेड टू नो वन थिंग सर, कि सर अनशन करने के लिए ना बेस्ट सीजन कौन सा होगा सर? आप अनशन करना चाह रहे हैं या हनीमून पे जा रहे हैं? सर हनीमून के लिए कौन सीजन देखता है सर? नहीं लेकिन सर, लेकिन सीरियसली सर, अनशन के लिए तो सीजन देखना पड़ेगा ना सर, मतलब अगर एकदम बारिश का मौसम होगा तो चाय पकोड़े खाने का मन करेगा, और एकदम गर्मी होगी तो कोल्ड ड्रिंक पीने का मन करेगा, और एकदम ठंडी होगी अगर तो यू नो ना सर, पाटली वाइन कंपनी, ठंडी में अंगूठा क्यों चूसोगे? हमारे कोई दोस्त जो अजय सर से अपने कोई दिल की बात करना चाहता, अरे वाह। हेलो अजय सर, मेरा नाम नम्रता है। आपने आज तक अपनी फिल्म्स में इतने सारे हीरोइंस के साथ काम किया है, उन सब में से किनके साथ काम करने में आपको सबसे ज्यादा मजा आया? जिनके साथ उनको बड़ा मजा आया काम करके वो तो घर ले गए उनसे शादी कर ली लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरों के साथ मुझे मजा नहीं आता, बस उनको घर नहीं ले जाता। अरे वाह, चांद से सोना तो जान चाहिए, ध्यान से देखिए ये कातिल कैसे बोलते हैं, मैं बता रहा हूं उनका स्टाइल, बलबली सनसनी, ध्यान से देखिए ये कातिल, हो सकता है आपके घर में हो। इतने कॉन्फिडेंस से कहते हैं बच्चा अपने बाप पे शक कर रहा होता है। जी सर, कैसे मैंने काफी पहने आपने हैं? खाते पीते घर का, हमारे घर पे तो खाना बनता ही नहीं। किस चीज का बिजनेस करते हैं आप? मैं इमिटेशन ज्वेलरी का बिजनेस। हाँ जी, नकली गहने बनाता हूँ मैं। नकली गहने? हाँ जी, इमिटेशन ज्वेलरी। ध्यान से देखिए साथ में। यही है वो खूंखार प्राणी जो नकली गहने बनाता था और बना बना के उस आदमी को देता था। भूखे पेट तो बहुत हैं, मगर रोटी से दूरी है। गले कटवा के भी ना रोना ये कैसी मजबूरी है। आज बापू होते तो हम सबसे कहते सत्याग्रह कल भी जरूरी था और आज भी जरूरी। आपका स्वागत है सर। मेरी बात सुनिए आप, एक लीडर का फर्ज होता है लोगों को खुश रखना। हाँ जी। तो आप यहाँ पे ना हमें इरिटेट कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, बिकॉज़ हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं। आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे हमारी जनता खुश हो, नहीं तो आप चले जाइए। नहीं नहीं, चले क्यों जाइए, खुश करती हूँ जनता को। कैसे खुश करेंगे आप? मैं चुटकुला सुना के खुश कर दूंगी। हाँ सुनाइए। मैं आपको चुटकुला सुनाती हूँ। एक बार ना एक शराबी होता है, अपनी बीवी से कहता है, एक्सक्यूज मी, ये हम लोग थोड़ी पॉलिटिकल बातें हो रही थी सत्याग्रह को लेकर, थोड़ा पॉलिटिकल कोई चुटकुला है तो सुनाइए। ठीक है, एक बार एक पॉलिटिकल शराबी होता है, अपनी पॉलिटिकल बीवी से कहता है कि मेरी पैंट कहाँ पे है? फिर? अरे उसकी पैंट नहीं मिल रही आपको, फिर की पड़ी है। अरे सर मेरे को, मैं बता रही हूँ, मेरे को कल रात को ना सपने में आए आप, ना सपने में आए आप, बताऊ जी क्या कहते? रुथी, मेरी अगली फिल्म में हीरोइन तू होगी। मेरा सुबह का सपना सच हो जाएगा, मैं सुनता हूँ। अच्छा, मुझे ड्राइव मी क्रेजी ना हो। Yeah.
की ना दिल्ली वालों की, पिंकी है पैसे वालों की। पिंकी यानी प्रियंका चोपड़ा के डांस की ये शानदार झलक देखने को मिली एक डांस रियलिटी शो झलक दिखलाजा में। के अलावा और क्या क्या मस्ती हुई झलक के सच पर जानने के लिए देखिए झलक की ये खास झलक। हेलो जी, की हाल चाल, तोड़े पीछे कुमदे ने हो गए कई साल, मैंने निको जे दिल दा इको सवाल, मैं क्या सने वित कह दो जी ससरीकाल, की आखा मैं तेनु कुड़िए, समझ न आवे मेनु कुड़िए, हिरणी अखा मैं क्या मोरणी अखा, हाय हिरणी अखा मोरणी अखा, या कहा बुलबुल, You are very beautiful. You are very beautiful. Oh, oh, last night. You are very beautiful. Last night, sir. You with beautiful. मैं पंजाबी में दो लाइन, मैं पंजाबी में दो लाइनें कहना चाहूंगा कि बागां विच मोर होवे, हो बागां विच मोर होवे, हो तेरे पीछे क्यों फिरिए, जे कोई तेरे जिया होर होवे। क्या बात,